बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के व्लॉग में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आज मैं जा रहा हूँ एक बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए। मैंने सुना है लाहौर कैंची बाज़ार में बहुत सस्ते और बहुत अच्छे बर्तन मिलते हैं, तो मैंने सोचा वहाँ ट्राई करते हैं। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम व्लॉग बना लेंगे। आए हम चलते हैं कराची एयरपोर्ट, वहाँ से पकड़ते हैं फ्लाइट और फिर हम जाते हैं लाहौर और आपको दिखाते हैं लाहौर का कैंची बाज़ार। तो आए चलते हैं। जी दोस्तों, तो हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना दवा हैं शारा फैसल पे। ये है PAF बेस का एरिया, पाकिस्तान एयरफोर्स का एरिया है यहाँ पे। मुझे कि PAF बेस फैसल है, सॉरी, हाँ हाँ बेस फैसल है ये। और ये हेलीपैड है, ये आने वाला है एयरपोर्ट। उल्टे हाथ में जाएंगे गुलिस्तान जौहर है, आ गया है अंडरपास, गुजर रहे हैं राइट हैंड पे हमारे पास ड्रिग रोड स्टेशन है और ये है कराची का अंडरपास ड्रिग रोड वाला। अच्छी पेंटिंग हुई हुई है फैजान स्टील वालों ने, अच्छा इसको डेकोरेट करवाया हुआ है। जी दोस्तों, तो पहुंच गए हैं डिपार्चर्स ड्रॉप लेन है ये वाली और वो है पार्किंग अराइवल्स, ठीक है। और चलते हैं चेकिंग करवा के आगे। वो DHL का ऑफिस है, गो डाउन है, बल्कि शायद हमें कोई जहाज़ नज़र आ जाए, होप सो नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। ये सारा एयरपोर्ट का एरिया है, वो रहा हमारा जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का। वो खड़े हुए प्लेन बहुत दूर हैं, नज़र नहीं आ रहा। ये है ज़रीन वालों का एयरप्लेन खड़ा हुआ है और हम पहुंच गए हैं जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची वाले पे। जी दोस्तों, तो मैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ और अब हम लेते हैं बोर्डिंग पास और बैठते हैं फ्लाइट में और पहुँचते हैं लाहौर, फिर आपको लाहौर दिखाते हैं। जी दोस्तों, बोर्डिंग पास मिल गया, तो अब हम जा रहे हैं फाइनल सिक्योरिटी चेक की तरफ और वहाँ से फिर हम बैठेंगे वेटिंग हॉल में और फिर इंतज़ार करेंगे फ़्लाइट के टेक ऑफ होने का। जी दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ वेटिंग हॉल के अंदर और यहाँ पे इंतज़ार करें भी हो रहे हैं, 12:15 और 1:30 बजे की फ़्लाइट है। और मैं आपको अपना बोर्डिंग पास भी दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, तो ये है मेरा ASI का बोर्डिंग पास, तो अब हम वेट करते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो ये आ रहा है ASI का एयरक्राफ्ट, इसमें हमने जाना है। इसको 12 नंबर गेट पर लगना था कैप्सूल पर, लेकिन ये तो आगे जा रहा है, हो सकता है प्लान में चेंजिंग्स आ गई हों, तो ये 11 नंबर की तरफ जा रहा है। होप सो अभी कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, टाइम काफ़ी था तो मैंने कहा थोड़ी पेट पूजा हो जाए, तो मैंने लिए मसाला फ्राइज़ और उसके साथ मैंने लिया है चिकन नगेट्स और कोल्ड ड्रिंक है, तो मैं ज़रा इसको खा लूँ, मैं फिर आपसे मिलता हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी है मुझे। फ्रेंड्स, को इंसिडेंस हो गया, वो कैप्सूल पे नहीं लगी, हमें बस में बिठा के लेके जाया जा रहा है। मुझे सऊदी याद आ गया क्योंकि जद्दा में भी ऐसे होता है, बस में बिठाया जाता है फिर प्लेन के पास लेके जाया जाता है। तो चलें, ये भी एक एक्सपीरियंस अल्लाह ताला ने करवा दिया, बहुत अच्छा रहा। आपको मैं एयरपोर्ट भी दिखा दूँगा नीचे से। जी दोस्तों, तो ये है हमारा कराची का एयरपोर्ट है, जहाँ पर लाइव में फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूँ, आज तक यहाँ पर कभी भी नहीं आया था। तो वो बस से उतर के लोग जा रहे हैं प्लेन के अंदर, तो हम भी जाते हैं उस तरफ और आपको भी दिखाते हैं नज़दीक से। फ्रेंड, जहाज़ का शोर बहुत है इंजन का, शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना आए इसलिए बस आप सिर्फ देख लें। जी दोस्तों, तो मैं बैठ गया हूँ अपनी सीट पे, इतना ये देखें अच्छी खासी स्पेस है क्योंकि ये एमरजेंसी एग्जिट के पास मुझे मिली है 13 है, लेट के जाएगा बंदा। इन्होंने पहले से पानी की बॉटल रख दी है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड भी पड़ा हुआ है, उसको भी हम नज़र देख लेते हैं तो क्या इस पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि किस मुश्किल वक्त में किस तरीके से हैंडल करना है। डोर ऑपरेशन के स्टेप्स बताए गए हैं, इमरजेंसी डोर ऑपरेशन, इमरजेंसी एग्जिट पाथ इंडिकेटर्स इन स्मोक और बिफोर वाटर इवैक्यूएशन लीविंग द एयरक्राफ्ट। तो अब हम वेट करते हैं फ्लाइट के टेक ऑफ होने का, फिर आपको लाहौर थोड़ा सा टेक ऑफ के भी सीन्स दिखाएंगे, अब फिर लाहौर एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ पे आप लोगों से मिलेंगे। और इन्ना इधर रखना डाउन कालीपुर
पाक है वो साजिश ने हमारे लिए सवारी को मुसफिर कर दिया, वरना हम इसे काबू में लाने की ताकत ना रखते थे। जी दोस्तों, तो हम पहुंच गए रनवे पे और जो है चारों इंजन स्टार्ट होने वाले हैं और आप शोर सुनिएगा। और बस अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे खुद डर लगता है जब ये रनवे पे आ जाता है और स्पीड पकड़ता है ना, तो आवाज़ खुद ही बंद हो जाती है। अब सिर्फ आप देखते जाइएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ खैरियत से हो गया। जी दोस्तों, तो नीचे है हमारा कराची, हम सबका कराची। ये देखें, ये हम गुलिस्तान जौहर से गुजर रहे हैं, वो मुझे माजिद भाई का घर नज़र आ रहा है। तो ये हम गुलिस्तान जौहर के पास से गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं यहाँ पे। थिकली पॉपुलेटेड एरिया है ये सारा, एयरपोर्ट के नज़दीक जितना भी है सराउंडिंग में। तो अब बस हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं हम लाहौर पहुंच जाएं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने वाले हैं, बस लैंडिंग होने वाली है। लैंडिंग की भी आवाज़ सुनिएगा, वो भी बड़ी ड्रावनी होती है। दोस्तों वो रहा एयरपोर्ट, अनफॉर्चुनेटली मुझे गंदी वाली विंडो वाली सीट मिली थी तो इसलिए ब्लर ब्लर सब कुछ आ रहा है। तो बस अब उतरते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, डिसएम्बार्क हो चुका है, अब हम जाते हैं बाहर और ढूंढते हैं मेट्रो कैब, क्योंकि करीम वालों को बंद किया हुआ है एयरपोर्ट आने के लिए। तो अब मेट्रो कैब वाले के पास जाते हैं और मेट्रो कैब बुक करते हैं, होटल जाते हैं। जी दोस्तों, तो वो है सामने मेट्रो कैब का बूथ, वहाँ जाते हैं और बुकिंग करते हैं और फिर हम निकलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी देख लें अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाहर से ऐसा है और हम पहुँच गए यहाँ पे और बस अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ और बेसमेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे गाड़ी पार्क है और वहाँ चलते हैं। जी दोस्तों, तो जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, बहुत आउटस्टैंडिंग इन्होंने बेसमेंट बनाया है, लेकिन गर्मी शदीद है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर कराची से, बहुत बुरा मौसम है यहाँ पर, अल्लाह माफ़ करे। माशाल्लाह इतना स्पेशियस रोड है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और एटमॉस्फेयर देखें आप, कितना प्यारा आसमान है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, माशाल्लाह ज़बरदस्त लाहौर। फ्रेंड्स ये वाला सीन भी कैप्चर करने के लायक था तो मैंने किया, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, मुझे कोई फॉरेन कंट्री का ये रोड लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत रिच एंड ग्रीन है, कैंट का एरिया है लाहौर कैंट का। तो बस दो तीन मिनट में हम पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल पर। जी दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं होटल, ये मेरा होटल, होटल का अलग व्लॉग होगा। तो सामान उतारते हैं रूम में और थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं और फिर जाते हैं कैंची बाज़ार।